तो दोस्तों आज इस वीडियो के थ्रू मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ संदीप महेश्वरी सर को। क्यों, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ऐसा इसलिए कि कुछ दिन पहले संदीप महेश्वरी सर ने एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि आज इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। वो ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। वैसे तो मैंने अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर ऑफर इज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एट ऑल, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, यानी मेरे फ्रेंड सर्कल के थ्रू या ऐसे कुछ लोगों के थ्रू जिनको मैं जानता हूं। और अभी रिसेंटली कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, और उनमें से एक है जिन्होंने मुझे एक ओपन ऑफर दिया है कि अगर मैं अपनी जो वीडियोज हैं उनका राइट उनको दे देता हूं, यानी कि वो उनके प्लेटफॉर्म पर चली जाएगी, तो दे विल गिव मी अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। वो अमाउंट भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, दैट इज मोर देन 100 करोड़। मैंने इमीडिएटली उनको मना कर दिया कि उनको 100 करोड़ दे रहे थे OTG प्लेटफॉर्म। मतलब कि OTG प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, तो ये OTG प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, Amazon हो गया, और ये हॉटस्टार डिज्नी हो गया, तो ये सारे OTG प्लेटफॉर्म कहलाते हैं क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको देखने के लिए प्रोग्राम देते हैं, वेब सीरीज देते हैं, तो इन्हें OTG प्लेटफॉर्म कहा जाता है। यूट्यूब भी है लेकिन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो कैसे फ्री है इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं उनको थैंक कहना चाहूँगा क्योंकि कुछ OTG प्लेटफॉर्म संदीप महेश्वरी का कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पे डालना चाहते थे और नाम नहीं बताया, लेकिन उनमें से कुछ OTG प्लेटफॉर्म ने तो उन्हें ओपन ऑफर दे दिया, मोर देन 100 करोड़ का ऑफर उन्हें दे दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने उस ऑफर को मना कर दिया और कहा कि मेरी वीडियोज से उन्हें कितना प्रॉफिट होगा, वो कंटेंट के थ्रू वो एक साल में 120 करोड़ की अर्निंग कर सकते हैं, तो वो कोई एहसान नहीं करे उनको ये पैसे दे के, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं लूँगा, मैं अपना कंटेंट नहीं, अपना राइट नहीं दूंगा उनको। तो ये बात उसके ऊपर उन्होंने वीडियो बना के बताया और अनाउंसमेंट किया कि मेरी सारी वीडियोस पब्लिक डोमेन में चल जाएंगी जो कि सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑल रहेंगी। तो ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आज के समय में जहाँ पे लोग अपने फायदे के लिए किसी का भी बुरा करने के लिए तैयार है, वहाँ पे कोई है जो कि दूसरों के भले के लिए अपना फायदा नहीं देख रहा है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी। और दोस्तों यही नहीं, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कह दिया कि वो जीते जी नहीं मतलब कि मरने के बाद भी उनका कंटेंट फ्री रहेगा, मतलब कि उनके परिवार में कहीं भी कोई भी दोस्त या रिश्तेदार कोई भी उनके कंटेंट के थ्रू 1 रुपया भी नहीं कमा सकता और ना उसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो इसलिए उन्होंने उसे पब्लिक डोमेन कर दिया है। मतलब तो ये अनाउंसमेंट देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कोई ऐसा है जो कि क्या सबके बारे में सोचने के लिए अपने कंटेंट, सोचो वो हमारा कंटेंट नहीं फिर भी उन्होंने अपने कंटेंट को बेचने से मना कर दिया, अपनी चीज़ को बेचने से मना कर दिया क्योंकि उससे दूसरों का भला हो रहा है, दूसरों की लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी आ रही है, इंस्पिरेशन आ रही है, जिसकी वजह से वो इसे नहीं बेच रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है और इसीलिए मैं उन्हें इस वीडियो के थ्रू थैंक्स कहना चाहता हूँ कि थैंक यू संदीप महेश्वरी सर, और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना बड़ा बिग अमाउंट भी आपने ठुकरा दिया, वो भी खाली बस हमारे लिए। तो इससे पता चलता है कि आप अपने सब्सक्राइबर्स की कितनी वैल्यू करते हैं, तो हमें ये देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं इस वीडियो के थ्रू अपनी खुशी को एक्सप्लेन कर सकूं और कह सकूं कि थैंक यू सर, बिल्कुल थैंक यू। तो दोस्तों अगर आप भी इसे थैंक यू कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि आपको ये सुन के कैसा लगा कि 100 करोड़ 100 करोड़ रुपए ठुकरा चुके हैं संदीप महेश्वरी। तो ये उन्होंने कैसे किया, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि क्या हुआ था। कुछ दिन पहले मेरे YouTube पे नोटिफिकेशन आया कि संदीप महेश्वरी का वीडियो था, तो उन्होंने उसमें बिग अनाउंसमेंट करके टाइटल डाला था, तो मैंने देखा वीडियो, तो उसमें उन्होंने बताया कि कुछ OTG प्लेटफॉर्म उन्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट करे थे उनका कॉन्टेंट का राइट लेने के लिए, तो उसी में उनको ऑफर मिला जिसको उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने ये सोचा कि मेरे जाने के बाद मतलब मेरे इस दुनिया में ना रहने के बाद भी लोग मेरा कंटेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो उसे खरीदने की कोशिश करेंगे और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट दे दें, जब अभी 100 करोड़ दे रहे हैं तो आगे हो सकता है कि और भी ज़्यादा अमाउंट पे करें, तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि अब मेरी सारी वीडियोज़ पब्लिक डोमेन में जाएंगे, यही एक प्रैक्टिकली यही एक सोल्यूशन है बचाने का फ्री, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानी तो आप उनके चैनल पर जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक छोड़ दिया है आपके लिए, आप जाके संदीप महेश्वरी के चैनल पर देख सकते हैं उस वीडियो को। तो दोस्तों अगर आपको ये बात सुन के कितना अजीब लगा होगा ना कि 100 करोड़ छोड़ दें, तो आपका इसके ऊपर क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को पता चले कि ऐसे लोग भी हैं आज की दुनिया में जहां पे बस दूसरों का फायदा उठा रहे हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों का यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे उन्होंने अब दूसरों के फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए दोस्तों, मेरे और आपके फायदे के लिए उन्होंने इतना बड़ा बिग अमाउंट भी ठुकरा दिया, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ये कि उन्होंने ऐसा कर दिया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बता दिया क्या करना, लेकिन मैं ये कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये और लोगों तक पहुँचे और लोगों को पता चले कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।